जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका चैप्टर है और इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनोप्टीज, आर श्रीनिवासन जी के द्वारा लिखा हुआ है। कहानी इसकी जहाँ तक है उतना इजी ही है। इसमें आर्ट के बारे में बताया गया है कि जो कला होती है ना किसी के कहने पे नहीं उभरती, कला खुद उभरा करती है। यानी अगर कुछ कोई काम कर रहे हैं तो किसी के आदेश पे करेंगे तो उस काम के निखार में, और जो बिना आदेश से करेंगे अपने मन की प्रेरणा से करेंगे उसके निखार में अंतर होगा, दोनों का निखार अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क विच व्हाट विच आर डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड द वर्क विच आर डन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ आवर सेल्फ। यानी खुद की प्रेरणा पे जो काम किया जाता है उसमें और किसी के कहने पे काम किया जाता है उसमें, दोनों में अंतर क्या है, इसमें यही बताया गया है। चलिए देखा जाए। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संस्कृति का, संगीत का जो इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक यानी भारतीय संगीत का जो इतिहास है, इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज, लदा बोध है, भरा पड़ा हुआ है, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कहानियों और छोटे छोटी कहानियों से, यानी उपाख्यानों से, कहानियों और उपाख्यानों से भरा पड़ा हुआ। यानी भारतीय संगीत का जो इतिहास है कहानियों और उपाख्यानों से भरा पड़ा हुआ है, यानी भरा हुआ ब्रीमिंग है। अब वाई क्या अर्थ है, वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इट्स सेल्फ ए स्टोरी। अब वाई का अर्थ यहाँ पे होगा इसीलिए तो द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, जो वेरी ओरिजिन है, बिल्कुल जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है म्यूजिक का, संगीत का, एंड अदर फाइन आर्ट्स और अन्य सुंदर सुंदर कलाओं का, यानी ललित कलाओं का और संगीत का जो ओरिजिन है, इज इन इट सेल्फ, वह है अपने आप में एक स्टोरी। यानी संगीत और ललित कलाओं का जो इतिहास है, ओरिजिन असर उत्पत्ति है, वो अपने आप में इतिहास ही है। द क्रिएटर ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने, यानी सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, मेड दिस यूनिवर्स, उन्होंने ही इस यूनिवर्स को बनाया, यानी हाँ सृष्टि को बनाया, विश्व संसार को बनाया। सृष्टि देखेगा, संसार और सृष्टि में अंतर है। संसार का मतलब ये दुनिया, और सृष्टि का मतलब कि जितनी सारी चीज़ें निर्मित हैं जिस भी लोक की हों वो सब सृष्टि में आएंगी। ही क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इनचेंटिंग थिंग। उन्होंने क्रिएट किया ए वेराइटी, विविध प्रकार की, वंडरफुली मतलब अजूबी आश्चर्यजनक सुंदर चीज़ों को, एंड इनचेंटिंग थिंग और आकर्षित कर लेने वाली चीज़ों को उन्होंने बनाया। ही क्रिएटेड द मजेस्टिक माउंटेन रेंजेज। उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने बनाया मजेस्टिक माउंटेन रेंजेज, यानी भव्य पर्वत श्रेणियों को उन्होंने बनाया। द थंडरिंग वाटरफॉल्स और झरझर झरझर करते हुए वाटरफॉल्स झरनों को बनाया। एंड द जेंट फॉरेस्ट ट्रीज और विशाल विशाल जंगल के वृक्षों को भी बनाया। किन्होंने? क्रिएटर ब्रह्मा ने। एज आल्सो द निम्बल डियर, और वैसे ही एक निरीह डियर को भी बनाया। निम्बल मीन्स निरीह, गलती न करने वाला, यानी एकदम निम्बल निरीह, जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, उस डियर को भी उन्होंने बनाया। द कलरफुल पिकॉक और रंग बिरंगे मोर को भी बनाया, मोरों को बनाया। एंड द एक्सक्यूजिट फ्लावर्स और अनोखे अनोखे फूलों को भी बनाया। किसने बनाया? द क्रिएटर, सृष्टिकर्ता ने, रचयिता ने बनाया। एक्सक्यूजिट, अनोखे अनोखे। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी। उन्होंने भर दिया अपने क्रिएशन को, अपने सृष्टि को, विथ ब्यूटी, सुंदरता से अपने क्रिएशन को उन्होंने क्या कर दिया, भर दिया। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, अपनी सुंदरता से उसने सृष्टि को भर दिया। चार्म एंड स्प्लेंडर,
आकर्षण और शानो शौकत से भर दिया पूरी क्रिएशन को, सृष्टि को। बट ही वाज सैड, लेकिन वह दुखी थे। हिज कंजर्ट, उनकी पत्नी सरस्वती आस्क्ड हिम, उनसे उन्होंने पूछा द रीजन ऑफ हिज सैडनेस, उनकी उदासी का कारण पूछा। यानी ब्रह्मा जी से उनकी पत्नी सरस्वती जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर सैडनेस, आपकी उदासी का कारण क्या है। ठीक है, ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा जी ने कहा इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस यूनिवर्स, यह सत्य है कि मैंने क्रिएट किया ऑल दिस वंडर चार्म एंड सावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। यानी ये एकदम सत्य है कि मैंने बनाया है ये सारी की सारी अजूबें, वंडर मतलब आश्चर्यजनक चीज़ें, ठीक है ना, चार्म आकर्षण को और वंडर सावर्ड ब्यूटी, और मैंने सावर्ड कर दिया है, बिखेर दिया है सुंदरताओं को, एवरीवेयर हर जगह मैंने सुंदरता बिखेर दी है, बात सत्य है। बट व्हाट इज़ द यूज, लेकिन इसका यूज क्या रह गया है, इसका मतलब ही क्या रह गया है, यूज का मतलब प्रयोग नहीं, इसका मतलब ही क्या रह गया है। ठीक है, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल, आ मानव आत्माएं, यानी ये मेरे जो बच्चे हैं मानव आत्माएं, सिंपली पास दिन भाई साधारणतया गुजर जाया करती हैं, साधारणतया गुजर जाया करती हैं, दे डू नॉट सीम टू हैव टू बी सेंसिटिव टू ब्यूटी। ठीक ना, दे डू नॉट सेम टू बी सेंसिटिव, वे थोड़ा सा भी जागरूक उत्सुक नहीं मालूम पड़ते हैं टू द ब्यूटी, उन सुंदरताओं के प्रति, अराउंड यानी इर्द गिर्द की जो सुंदरताएं हैं उनके प्रति ये थोड़ा सा भी क्या नहीं मालूम पड़ती, सेंसिटिव मतलब जागरूक भावुक उत्सुक, है ना, ये थोड़ा सा भी मालूम नहीं, जागरूक नहीं मालूम पड़ते। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके ऊपर वेस्ट कर दी गई हैं, नष्ट बेकार कर दी गई हैं, बर्बाद कर दी गई हैं, वेस्टेड देम, इट सीम्स ऐसा लगता है टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ये सब इनका जो ये जो प्रभाव है सब बेकार है। ठीक है, दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, ये जो क्रिएशन है मैंने जो क्रिएट किया है ये सब पर्पजलेस मालूम पड़ता है, सब बेकार मालूम पड़ता है ये पूरा क्रिएशन। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग, सरस्वती जी उनकी सारी भावनाओं को समझ गई, उनकी भावना को समझ गई, एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने उनसे बताया, तो वेल का अर्थ होगा तो लेट मी टू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, तो मुझे भी हिस्सा लेने दीजिए, लेट मी डू शेयर, मुझे भी हिस्सा लेने दीजिए, भागीदारी लेने दीजिए इन द ग्रेट वर्क, इस महान काम में। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी, आपने बना डाला है इन सुंदरताओं को, क्रिएट किया है इन पूरी सुंदरता को एंड स्प्लेंडर शान शौकत को आपने क्रिएट किया है। आई शैल क्रिएट इन माई चिल्ड्रेन, मैं अपने बच्चों में क्रिएट करूँगी द पावर टू रिस्पॉन्ड, अब मैं पावर टू रिस्पॉन्ड की शक्ति क्रिएट करूँगी, अपने बच्चों में अब मैं पावर टू रिस्पॉन्ड, पावर में शक्ति, टू रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया की शक्ति मैं विकसित करूँगी अपने बच्चों में, टू अप्रिसिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, टू अप्रिसिएट, वो अप्रिसिएट करेंगे, प्रशंसा और तारीफ करेंगे, ठीक ना, बी अपलिफ्टेड, उठाए जाएंगे बाय देम, इन्हीं सुंदर सुंदर चीज़ों से ये लोग विकसित होंगे, उठेंगे, विकसित होंगे, फलेंगे, फूलेंगे, ठीक ना, यानी उठाए जाएंगे यानी और विकसित होंगे। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, मैं उन लोगों को दूंगी म्यूजिक भी दूंगी एंड अदर फाइन आर्ट्स दूंगी, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप विद इन देम, जो संगीत मैं दूंगी और अन्य फाइन आर्ट्स जो दूंगी, विच विल ड्रा आउट, जो खींच निकालेंगे, बाहर निकालेंगे फ्रॉम डीप विद इन, अंतर आत्मा से, विद इन, जो उनके अंदर से, ठीक है, अंदर से खींच निकालेंगे द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक ना, क्षमता को, कैपेसिटी को टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया की क्षमता को बाहर निकालेंगे, टू द मजेस्टिक स्प्लेंडर एंड एक्सक्यूजिट चार्म एंड द वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन। तो कह रहे हैं कि मैं, हाँ वो कह रही हैं सरस्वती जी
कि जो ड्राई आउट करेंगे उनकी अंतरात्मा से क्या कैपेसिटी प्रतिक्रिया की शक्ति बाहर निकालेंगे किसके प्रति, द मजेस्टिक स्प्लेंडर भव्य भव्य ठीक ना, जो भी चीज़ें बनी हैं शानदार उनके प्रति, एंड एक्सक्यूजिट चार्म और अनोखे अजूबे जो आकर्षण है उनके इर्द गिर्द उनके प्रति उनके अंदर रिस्पॉन्ड की शक्ति आ जाएगी, एंड किसके प्रति वंड्रस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन और पूरे सृष्टि में पूरे निर्माण में जो भी ब्यूटी डाली गई है उसके प्रति उनके अंदर ठीक ना रिस्पॉन्ड होने लगेगा, प्रतिक्रिया होने लगेगी जब वो देखेंगे। जैसे कोई अगर फूल देखेगा तो फूल का असर उसके ऊपर पड़ेगा, अच्छी चीज़ देखेगा तो अच्छी चीज़ का असर पड़ेगा, बुरी चीज़ देखेगा तो बुरी चीज़ का असर पड़ेगा ठीक ना। तो ये जो भी चीज़ें होंगी जैसा भी उसमें जिस भावना से उसको क्रिएट किया गया होगा तो उसका भाव उनके अंदर समाएगा, आगे प्रतिक्रिया होगी। द ग्रेट म्यूज देन गेव, तब जा कर करके उस ग्रेट म्यूज ने यानी उस महान संगीत की देवी ने गेव म्यूजिक संगीत दिया, उस महान संगीत की देवी ने क्या दिया म्यूजिक दिया, एंड द अदर फाइन आर्ट्स और दूसरी यानी अन्य ललित कलाओं को भी दिया, इन द होप इस आशा में कि दैट थ्रो देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। तो द ग्रेट म्यूज गेव देम द म्यूजिक एंड अनदर फाइन आर्ट्स, उस महान देवी ने संगीत की देवी ने दिया क्या दिया अस हमको दिया संगीत और अन्य ललित कलाओं को दिया, इस आशा में कि इन द होप दैट इस आशा में कि थ्रो देम यानी उन सारी चीज़ों से उस संगीत और अन्य ललित कलाओं से मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग कि इंसान कुछ समझ जाएगा ऑफ द डिवाइन ईश्वरीय चीज़ों को इन हिज मैनिफेस्टेशन उसके निर्माण में यानी उसकी इर्द गिर्द में जितनी सारी निर्माण हुई हैं उन सारे निर्माणों के प्रति उसके अंदर कुछ समझने की शक्ति आ जाएगी, किसके प्रति किसके माध्यम से संगीत और अन्य ललित कलाओं के माध्यम से। ए स्ट्रेंज स्टोरी यानी बहुत विचित्र कहानी है, ए स्ट्रेंज स्टोरी यानी बहुत ही विचित्र कहानी है, एस हाँ हाँ बट इट हैज़ ग्रेट मोरल, लेकिन इसका बहुत ही ग्रेट मोरल है, बहुत ही बड़ी इसकी नैतिकता है यानी इसका नैतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आगे क्या कह रहा है, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट्स इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एनी इनर इरेजिस्टेबल इनर अर्थ। समझिएगा बहुत बारीकी के साथ, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ यानी आधारभूत सच्चाइयों में से एक सच्चाई है, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ आधारभूत सच्चाइयों में से एक सच्चाई है क्या, ऑन विच द ऑल इंडियन जिस पर संपूर्ण भारतीय कला इज डेवलप्ड, भारतीय कला विकसित है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कमी है अभी, और पूरा निकलेगा तो देखिएगा, यानी आधारभूत सच्चाइयों में से एक सच्चाई है कि ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप, जिसपे संपूर्ण भारतीय कला विकसित की गई है, इज दैट वह यह है कि ट्रू आर्ट इज नेवर मेड, सच्ची कला कभी नहीं उभारी जा सकती बनाई जा सकती टू ऑर्डर आदेश पे, यानी आदेश पे सच्ची कला किसी कीमत पे नहीं उभारी जा सकती, ऑल इंडियन आर्ट भारतीय कला का संपूर्ण भारतीय कला का यही बेसिक ट्रूथ है। फिर से एक बार देखेंगे, यानी कह रहे हैं कि आधारभूत सच्चाई ये है भारत की कला की, कि भारत की कला ये कहती है कि सच्ची कला को किसी कीमत पे नहीं उभारा जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है किसी के आदेश पे। अब जरा बताएं
सिर्फ भारत की कला को नहीं उभारा जा सकता है, बांग्लादेश की कला को उभारा जा सकता है, चाइनीज कला को उभारा जा सकता है, हाँ अमेरिका की कला को उभारा जा सकता है आदेश पे, हाँ इसमें सार्वभौमिकता खत्म कर दिया गया इंडियन आर्ट लिख कर करके, समझ में आ रही बात ना। पूरे विश्व के लिए यह है सृष्टिकर्ता ने यानी प्रकृति ने यानी ईश्वर ने मालिक ने जब सृष्टि किया तो पूरे विश्व के लिए पूरी दुनिया के लिए यही किया कि किसी कीमत पे कहीं पे भी सच्ची कला का निर्माण नहीं हो सकता किसी के आदेश पे। अगर कहीं सच्ची कला किसी आदेश में झलक आई है तो उस आर्डर में इतना असर रहा होगा कि वो असर प्रेरित किया होगा और इनर इरिजिस्टेबल अर्ज आया होगा, अंतरात्मा प्रेरित होकर करके उस अच्छी कला को उकेर दी होगी, समझ में आ रही बात ना। लेकिन यहाँ पे लेखक ने जो कह दिया है क्या कहें, और इतने बड़े लेखक हैं इनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है क्या? सॉरी सॉरी, आश्रय निवासन है। कौन है? आश्रय निवासन है, ठीक ना। तो क्या कह रहे हैं कि भारतीय संगीत का भारतीय कला जो विकसित की है उसकी जो आधारभूत सच्चाई है वो यह है कि सच्ची कला किसी कीमत पे नहीं उभारी जा सकती है आदेश पे। इट कम्स एज, यह आया करती है यानी सच्ची कला विकसित होती है, आती है बाहर निकल करके एज ए रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप एन इरिजिस्टिबल इनर, एक इरिजिस्टेबल जिसे रोका ना जा सके उस आंतरिक प्रेरणा के परिणाम स्वरूप वो निकल करके आती है, यानी अंदर से अंतरात्मा की जिसे रोका नहीं जा सकता उस प्रेरणा के बदौलत सच्ची कला का उभरन होता है, सच्ची कला उभर करके आती है। अगला, वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज की संगीत को सुनते हैं एंड आर इंथ्राल, और भाव विभोर हो जाते हैं, एकदम मुग्ध हो जाते हैं। वी सी ए मजेस्टिक टेम्पल टावर, और हम मजेस्टिक टेम्पल टावर भव्य भव्य मंदिरों के गुंबद को देखा करते हैं। एंड गेज्ड ऑन इट, और टकटकी लगाए रह जाते हैं, गेज्ड ऑन मतलब टकटकी लगाना, एक नज़र से देखते रह जाना, यानी टकटकी लगाए रह जाते हैं विथ वंडर, आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ हम देखते ही रह जाते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर, हम देखते हैं अपने कुछ एंशियंट स्कल्पचर को यानी प्राचीन हस्तकलाओं को देखते हैं, शिल्प कलाओं को देखते हैं, ठीक ना, देखते हैं। एंड फील इंथ्रॉल, फील थ्रिल, और भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक ना। तो हम ये देख कर करके भाव विभोर हो जाते हैं। वाई, क्यों, यानी क्यों ऐसा होता है, क्यों हम भाव विभोर हो जाते हैं। कह रहे हैं बिहाइंड ऑल सच वर्क्स, इन सारे कामों के पीछे ऑफ आर्ट, कला के इन सारे कृतियों के पीछे इज सम ऑफ एन इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल इन अर्ज, तो इन सब कामों के पीछे एक ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज है, एक महान यानी बहुत बड़ा, ठीक ना, आध्यात्मिक प्रेरणा है, यानी इन सारे कामों के पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस फॉर देयर डिवोशन, जो कलाकार गेव देम उस कला को दिया होता है, विकसित किया होता है, टू अस हमको जो दिया होता है, विकसित करके दिया होता है यानी बनाया होता है, पोर्ड देयर डिवोशन इन टू द शेप, उड़ेल दिया होता है अपने पूरे समर्पण को, पूरे डिवोशन को इन टू द शेप ऑफ सच एक्सक्यूजिट वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के इतने बड़े अनोखे में अपना पूरा समर्पण उड़ेल दिया होता है, कला के इतने बड़े इतने एक्सक्यूजिट वर्क ऑफ आर्ट, कला के इतने इतने अनोखे या कला की इतनी अनोखी कृति में, इस तरह से कहेंगे कला की इतनी अनोखी कृति में वो अपना पूरा का पूरा समर्पण उड़ेल दिया होता है, कौन, आर्टिस्ट। इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, अफेसिंग डेडिकेशन,
यानी ये जो समर्पण था इसके लिए कहा जा रहा है, इट वॉज एन एक्ट, यह एक कला थी, यह एक कृति थी, एक्ट मीन्स कार्य कहा जाएगा, कृति, यह एक वह कृति थी, ठीक है ना, ऑफ सेल्फ फेसिंग डेडिकेशन, यानी खुद को उसमें समर्पित कर देने वाले वाला यह एक एक्ट था, यानी काम था, यानी जब खुद को कलाकार उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया उस काम के प्रति, तो फिर उससे अच्छी कला क्या हुई, निर्मित हुई। अगला, ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, एक कहानी कही जाती है तानसेन के बारे में। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के बहुत बड़े कवि थे, अकबर के दरबार के बहुत बड़े कवि थे। कहानी कही जाती है तानसेन के बारे में कि अकबर के दरबार के बहुत बड़े वो कवि थे, वाज वेरी फॉन्ड, सॉरी, कवि थे, एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत का बहुत ही क्या थे, शौकीन थे। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, जब तानसेन विशेष रूप से खास तरीके से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किए, अदा किए, यानी गाए, तो अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, तो अकबर चले गए विभोरता में, यानी भाव विभोर हो गए, मुग्ध हो गए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे, यानी उनसे उन्होंने पूछा, यानी अकबर ने तानसेन से पूछा, अकबर ने तानसेन से आस्क्ड पूछा, क्या पूछा, हिम, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन। क्वेश्चन क्या किए अकबर, कह रहे हैं, ऐ तानसेन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट, तानसेन जरा रहस्य तो बताओ, क्या रहस्य है, ऑफ दिस सीक्रेट कंकॉर्ड, इतने मधुर कंकड़ मिस लयबद्ध ताल, ताल, ठीक ना, तालमेल, नोट मिस उस छोटी सी संगीत का, इसका अर्थ ये लेंगे, उस छोटी सी लयबद्ध मधुर गीत का रहस्य क्या है, कि विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस, जो मुझे ले कर करके जाता है, यानी मुझको ले करके जा रहा है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से बाहर ले करके जा रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन, और मुझे भेज दे रहा है, यानी ये जो संगीत मैंने सुना, इस संगीत का असर ये पड़ रहा है कि सुनने के बाद से मैं दूसरी दुनिया को जाने लग रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट्स मी, मुझे ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, मुझे भेज दे रहा है, टू डिवाइन रीजन, दैवीय क्षेत्र में, ईश्वरीय क्षेत्र में, ठीक ना, जहाँ देवतागण रह रहे हैं, उस क्षेत्र में मुझे ले आकर के पहुँचा दे रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है, सीक्रेट क्या है तानसेन, जरा कारण तो बताओ। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट ए स्पेल ऑफ म्यूजिक एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हर्ट्स, कह रहे हैं, आई हैव नॉट हर्ड एनी एल्स, मैंने किसी और से नहीं सुना है, मैंने किसी और से नहीं सुना है, क्या नहीं सुना है भाई, Who can thus cast a spell, जो इस तरीके का जादू डाल सके, cast means फेंकना होता है, डालना, spell means यहाँ पे अर्थ निकलेगा जादू, जादू डाल सके, of magic, यानी जादुई असर डाल सके, ठीक ना, magic means होता है जादू, जादुई असर डाल सके, and make a slave of our hearts, और अपने दिलों का गुलाम बना सके, तो मैंने किसी से ऐसी कोई संगीत नहीं सुनी कि उसकी संगीत इतनी मजबूत रही हो कि किसी के दिल को इस कदर जीते और अपने दिल का गुलाम बना ले, है ना, स्लेव बना ले। आगे देखिएगा, सर्वेंट में और स्लेव में अंतर है, स्लेव किसे कहते हैं और सर्वेंट किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका अंतर समझ लीजिएगा। गुलाम वो है जो अपने मालिक के मर्जी के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं रख सकता कि मेरा यही नाम होगा, मालिक की मर्जी। और नौकर का मतलब होता है कि नौकर कुछ समय तक नौकरी करेगा और जब चाहेगा तब लात मार के अपने मालिक को चला जाएगा, लेकिन गुलाम अपने मालिक को, अपने मालिक की पूरी ताबेदारी करता है,
मालिक जैसा चाहे वैसे करे, ये अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता गुलाम। अगला, तो अपने दिल का कोई गुलाम बना सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन। तानसेन, वास्तव में तुम वंडरफुल हो, बहुत ही बड़े अजूबे हो, बहुत ही बड़े अजूबे हो, वंडर हो, वंडरफुल हो तुम, बहुत बढ़िया अजूबे हो, अद्वितीय हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाई, उस महान बार्ड ने जवाब दिया, उस महान कवि ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? सर, आई एम ओनली ए हम्बुल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। ठीक है ना, अकबर जी से कह रहे हैं तानसेन, क्या कह रहे हैं कि आई एम ओनली ए हम्बुल पीपल, मैं केवल एक शिष्य हूँ, विनम्र शिष्य हूँ, यानी एक तुच्छ शिष्य हूँ ऑफ माई मास्टर, मैं अपने स्वामी मास्टर का, स्वामी हरिदास जी का, मैं एक विनम्र शिष्य हूँ बस। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ माई मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार, और हैव नॉट यानी आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन, मैंने मास्टरी हासिल ही नहीं की है, स्वामित्व तो पाया ही नहीं है, मैंने तो काबू पाया ही नहीं है इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक। फ्रैक्शन मीन्स अंश मात्र, मास्टर टेक्निक, अपने मालिक की टेक्निक का मैं अंश मात्र भी, ठीक ना, मैं तकनीक नहीं पाया, ठीक ना, तरीका नहीं पाया, आकर्षण नहीं पाया, ठीक ना, ग्रेस एंड चार, आकर्षण भी नहीं पाया, तकनीक तरीका भी नहीं पा पाया उनके अंश मात्र का। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके बगल में क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज रिथमिक रिथमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी, जिनकी संगीत का आलम ये होता है, जिनकी संगीत हुज म्यूजिक इज ए रिथमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी, जिनकी संगीत लयबद्ध हुआ करती है, ऑफ डिवाइन हारमोनी, दैवी सौहार्द्रता के साथ, बिल्कुल लगता है कि देवलोक की संगीत है, इतनी सौहार्द्रता, इतना सामंजस्य पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है मेरे गुरु हरिदास की संगीत में। मेरे मैं उनके बगल में क्या हूँ, मेरे संगीत उनके बगल में क्या हूँ, संगीत है, ठीक ना, डिवाइन हारमोनी मेरे गुरु के संगीत में पाई जाती है, ब्यूटी पाया जाता है एंड चार्म आकर्षण पाया जाता है इन द साउंड, उनकी आवाज़ में, जैसे लगता है कि दैवी लोक का यानी देवता लोगों के यहाँ, ठीक ना, लोक का संगीत है। व्हाट क्या, देखिएगा व्हाट क्या है यहाँ पे, अब देखिएगा व्हाट किनका किनका रूप लिया करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, व्हाट व्हाट क्या, ठीक ना, देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो बन गया है यहाँ पे, ठीक ना, क्या, ठीक ना, क्या। द एम्पायरर्स क्राइड, एम्पायर ने चिल्ला करके क्या क्या, इज देयर वन, क्या कोई है, अच्छा आप बताइए क्या यहाँ पे इज कैपिटल रहेगा, जी रहेगा, जानते क्यों रहेगा, व्हाट भी उसी में से है, लेकिन व्हाट के बाद से एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सक्लेमेशन साइन, उसके बाद से फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये तीनों ऐसे साइन हैं, ये पूरी की पूरी, ठीक ना, यानी पूरा विराम लिए होते हैं, पूर्ण विराम के भाव प्रकट करते हैं, और जहाँ पूर्ण विराम होता है उसके बाद से कैपिटल लेटर से ही कोई शब्द शुरू होता है, इसलिए कैपिटल लेटर सही है। कह रहे व्हाट द एम्पायरर क्राइड, ठीक ना, व्हाट द एम्पायरर क्राइड, ध्यान देने की जरूरत है, व्हाट शब्द डबल इन्वर्टेड में रहेगा, गलत कर दिया है, ठीक ना, द एम्पायरर क्राइड, ठीक ना, ये उससे बाहर रहेगा, यानी किस तरह से रहेगा, इस तरह से, द एम्पायरर क्राइड, द एम्पायरर सेड, द एम्पायरर क्राइड, क्या क्राइड, व्हाट, क्या, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई और भी है जो तुमसे भी बेहतर गा सकता है, इज देयर वन, क्या कोई है, हु कैन सिंग बेटर देन यू, जो गा सकता है तुमसे भी बेहतर, इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे स्वामी यानी क्या तुम्हारे गुरु इतने एक्सपर्ट हैं, इतने काबिल हैं, आई एम बट ए पिग्मी माई बाई माई मास्टर साइड, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा,
क्या कहा? आम मैं भी हूँ बट ए पिगमी, लेकिन एक बौना, यानी बट का अर्थ यहाँ पे लेकिन ना निकाल के कहें शिवाय, यानी सिवाय बौना के मैं अपने गुरु के बगल में कुछ हूँ ही नहीं। आय मैं भी हूँ यानी बौना के अलावा कुछ और नहीं हूँ। भाई माई मास्टर साहब अपने मास्टर के बगल में साहेब तानसेन ने कहा कि मैं अपने गुरु के बगल में कुछ हूँ ही क्या सिवाय बौना के, यानी मैं बौना हूँ अपने गुरु के बगल में तुच्छ हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रुग्ड, अकबर बहुत ही ज़्यादा इससे प्रेरित हुए, इंट्रुग्ड हुए, है ना, बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए, इंट्रुग्ड हुए। इंट्रुग्ड मीन्स उत्साहित हुए, ठीक ना, इंट्रुग्ड मीन्स तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रुग्ड हुए, उत्साहित हुए। किस लिए इंट्रुग्ड होते हैं, चलिए देखा जाए। ही वॉन्टेड टू, वो वांटेड मीन्स चाहते थे, क्या चाहते थे, ही वांटेड टू, वह चाहते थे टू हियर, सुनना, हरिदास को सुनना चाहते थे, यानी गुरु हरिदास को, स्वामी हरिदास को सुनना चाहते थे। बट लेकिन एम्पेरर दो ही बाद, हालांकि वह बादशाह थे, सम्राट थे, आल दो फिर भी सॉरी ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, है ना, लेकिन वह नहीं प्राप्त कर सकते थे किसको, हरिदास को, हरिदास को वह नहीं प्राप्त कर सकते थे किसमें, टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। आल दो ही वाज ए एम्पायर, भले ही वह एम्पायर थे, एन एम्पायर थे, बादशाह थे, फिर भी वह उन्हें अपने दरबार में नहीं प्राप्त कर सकते थे, नहीं बुलवा सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, इसलिए वह और तानसेन दोनों के दोनों लोग हिमालय पर्वत पर गए। ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, हिमालय पर्वत पे गए। वेयर इन हिज आश्रम, जहाँ पे अपने आश्रम में ड्वेल्ट द स्वामी, जहाँ पे अपने आश्रम में स्वामी हरिदास जी रहते थे वहाँ पे गए। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन ने पहले ही अकबर को वार्निंग दे दी थी, यानी चेतावनी देती थी, क्या, दैट द स्वामी वुड सिंग, कि स्वामी तभी गाया करते हैं ओनली इफ ही वांटेड टू, जब वह चाहते हैं, यानी केवल तब गाते हैं जब वह चाहते हैं, यानी वह किसी के कहने पर नहीं गाते हैं। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वे लोग आश्रम में पड़े रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी हरिदास गाए नहीं। देन वन डे, तब जा कर के एक दिन तानसेन सिंह ने गा दिया वन ऑफ द सॉन्ग्स, उन गीतों में से एक गीत, टाट बाय द स्वामी, जो स्वामी हरिदास के द्वारा सिखाई गई संगीत थी। तब तानसेन ने एक गीत को गाया, किस तरह से, एंड डिलीबरेटली, और जान बूझ कर करके इंट्रोड्यूस्ड ए फॉल्स नोट, जान बूझ कर करके, है ना, उन्होंने फॉल्स नोट गा दिया, यानी कहीं गलत पढ़ दिया, कहीं गलत गा दिया, जान बूझ करके। आगे चलेंगे। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, है ना, इट हैड इसका था, यानी गलत नोट गाने का, यानी गलत संगीत गाने का, थोड़ी सी ही गलती करने का, इसका ही पूरी तरह से ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा, एकदम बिजली का जिस तरह से प्रभाव पड़ता है उतना प्रभाव पड़ा ऑन द सेंट, उस महात्मा के ऊपर उतना बड़ा प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर, उनके जो एस्थेटिक नेचर था, उनका जो क्या था, एस्थेटिक नेचर जो था, तो उनका जो एस्थेटिक नेचर था, यानी सौंदर्य से परिपूर्ण उनकी जो प्रकृति थी, तो उनका एस्थेटिक नेचर प्रकृति रिसीव्ड ए रूड शॉक, सौंदर्य प्रेमी प्रकृति को बहुत ही भद्दा झटका लगा, यानी बहुत ही तगड़ा झटका लगा, है ना, बुरे तरीके से, रूड मीन्स असभ्य, बुरे तरीके से झटका लगा, शॉक लगा, है ना, प्रभाव पड़ा उस पर। ही टर्न्ड टू तानसेन, और तानसेन की तरफ मुड़े,
एंड रिबक हिम, और उन्हें डांटे सेइंग, कहते हुए, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया है, टू यू, तुमको, तानसेन, तानसेन, तुमको क्या हो गया है, दैट यू, कि तुम, ए पुपिल ऑफ माइन, कि तुम मेरे शिष्य, शुड कमिट सच ए ग्रास ब्लंडर, कि तुमको इतनी बड़ी गलती करनी चाहिए, कमिट मिस होता है गलती करना, ग्रास ब्लंडर, याद रखिएगा, ग्रास मिस होता है बड़ा, ठीक ना, ग्रास घास वाला ग्रास नहीं है, वो है, ठीक है, एक जगह पे, तो तुम्हें इतनी बड़ी गलती करनी चाहिए, और थोड़ा सा याद रखिए, ब्लंडर का ही अर्थ होता है बहुत बड़ी गलती, अब उसके पहले मिस्टेक और ग्रास को लगा ही नहीं सकते, ठीक ना, तो इतनी बड़ी गलती कर दी, क्या हो गया तुम्हारे साथ। अगला ग्रामर के नियम से उस तरह से होता है, ही देन स्टार्टेड सिंगिंग, तब उन्होंने गाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, उस संगीत के छोटे से टुकड़े को सही तरीके से गाना शुरू कर दिया, द मूड केम अपॉन हिम, यानी वो मूड आ गया, वह स्वभाव तरीका आ गया उनको, एंड डेवलप्ड हिम, और उन्हीं उसी में घिर गए, यानी उसी में नहीं, इनवेलप्ड हिम, और इनवेलप नहीं सोता है खास लिफाफा, लेकिन घेर लेना, यानी उस मूड ने उन्हें घेर लिया, उस मिजाज ने उन्हें घेर लिया, कवर कर लिया, इनवेलप्ड, ढक लिया उनको, एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वह भूल गए अपने आप को संगीत में, यानी अपने आप को संगीत में उन्होंने भुला दिया, ठीक ना, विच फिल्ड द अर्थ एंड हीवन, यही है, भूल गए संगीत में, और उनकी संगीत विच फिल्ड, जिनकी संगीत ने फिल्ड द अर्थ एंड हीवन, पूरी धरती और स्वर्ग को, आकाश को भर डाली, संगीत का असर यह पड़ा कि संगीत ने असर ये दिखाया कि ये आकाश और धरती दोनों के दोनों भर गए, खाली जगह नहीं मालूम पड़े थे, अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द सीयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, ठीक ना, अकबर एंड तानसेन, अकबर और तानसेन दोनों के दोनों भूल गए खुद को इन द सीयर मेलोडी, उस तीखी संगीत में, उस तीखी मेलोडी में, यानी उस सुर लयबद्ध संगीत में भूल गए, एंड आकर्षण ऑफ द म्यूजिक, यानी संगीत के आकर्षण में और उस मधुर संगीत में अपने आप को भुला दिए, यानी भूल गए, इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत ही अनोखा अनुभव है, वे इन द म्यूजिक स्टॉप्ड, अकबर टर्न टू तानसेन, जब म्यूजिक खत्म हुई तो अकबर मुड़े तानसेन की ओर, टर्न किए एंड साइड, और कहे अकबर, यू से, तुम कहते हो, यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने संगीत सीखी है इस महात्मा से, ठीक है, तुम कहते हो कि तुमने संगीत सीखी है इस महात्मा से, एंड एट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, और तुमने अभी बाकी रख रखा, एट बाकी है, यू टू हैव मिस्ड, तुमने बाकी लगा रखा है अभी द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, अभी तुमने संगीत तो सीख लिया लेकिन इसका लिविंग चार्म जो सीखना है अभी तुमने बाकी लगा रखा है, तुमने अभी सीख नहीं पाया, तुम मिस करके वो सीखना, क्या लिविंग चार्म को, जीवांत आकर्षण, लिविंग चार्म मिस योर्स, अच्छा योर्स के बारे में बताएंगे, योर्स कौन सा शब्द है, पार्ट ऑफ स्पीच का, क्या पॉसेसिव, और भी बताएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर होगा जी, योर्स, यानी अब इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, क्योंकि नाउन को छिपाने के लिए योर्स शब्द आया है, नाउन के साथ आने के लिए योर है, योर्स सिम, यानी तुम्हारी जो संगीत है ये मालूम पड़ती है, टू बी बट चेफ बिसाइड दिस सोल स्टारिंग म्यूजिक, ये जो सोल को स्टायर करने वाली संगीत है, आत्मा को झकझोर देने वाली जो संगीत है, इस संगीत के बगल में तुम्हारी जो संगीत है वो क्या है, योर सिम्स टू बी बट ए चेफ,
तुम्हारी संगीत सिवाय भूषा के, बट मीन्स यहाँ पे सिवाय सिवाय भूषा के, सिवाय नीरस सूखी हुई तिनके, सूखे हुए तिनके के अलावा कुछ और नहीं है तुम्हारी संगीत। तुम्हारी संगीत पूरी की पूरी क्या है, एकदम सूखे हुए तिनके के जैसे नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है तुम्हारे संगीत में। समझ में आया? अगला, इट इज ट्रू सर, सर तानसेन ने कहा, सही है श्रीमान जी। अच्छा यहाँ पे जरा बताइएगा, सैड तानसेन, सैड क्रिया है, इसका कर्ता कहाँ गया? तानसेन है। तो तानसेन जब कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो वर्ब के पहले आते हैं, इनवर्जन है। जी यहाँ पे क्या है, इनवर्जन है, आप समझ लीजिए बढ़िया से। यानी क्रिया के बाद से जब सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे इनवर्जन कहा जाता है। अच्छा कौन सा इनवर्जन है? कितने तरह का होगा? 10 तरह का होता है ना? दो तरह का, पार्शियल इनवर्जन हाँ। और कंप्लीट इनवर्जन। पार्शियल यहाँ पे नहीं, कंप्लीट इनवर्जन है। सहायक क्रिया जब सब्जेक्ट से पहले आए तो वहाँ पे पार्शियल है, आंशिक रूप से इनवर्जन हो रहा है, लेकिन पूरी क्रिया ही जब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वहाँ पे कंप्लीट इनवर्जन होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट इनवर्जन है, यानी क्रिया ही पहले आ गई है कर्ता की, ऐसा कैसे? आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट इज ट्रू सर, श्रीमान जी बात सत्य है, सर तानसेन तानसेन ने कहा, श्रीमान जी बात तो सत्य है, ठीक ना, इट इज ट्रू सत्य है दैट माई म्यूजिक इज वुडेन, मेरी जो संगीत है ना लकड़ी के जैसे है, एंड लाइफलेस है, एकदम इसमें कोई जीव नहीं है, कोई जीवांतता नहीं है, ठीक ना। बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, मेरे मास्टर के संगीत के सौहार्दता पूर्ण वाले संगीत के बगल में मेरी जो संगीत है कोई मायने की नहीं है, ठीक ना, वुडेन और लाइफलेस है, यानी लकड़ी की है, और क्या है, अजीवांत है, यानी नीरस है, निर्जीव है, इसमें कोई जीवांतता नहीं, आकर्षण नहीं है। बट देन, लेकिन तभी तो, देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन तब एक डिफरेंस भी तो है। कौन सा डिफरेंस है? आई सिंग टू द एम्पायरर्स बीडिंग, मैं गाता हूँ बादशाह के आदेश पे, राजा के आदेश पे, सम्राट के आदेश पे मैं गाया करता हूँ। बट माई मास्टर सिंग, लेकिन मेरे मास्टर जो गाया करते हैं, मेरे गुरु जो गाया करते हैं, टू नो मैंस बीडिंग, मेरे गुरु किसी के आदेश पे नहीं गाते हैं, बट ओनली वेन, बल्कि केवल तब गाते हैं, द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब प्रयास आया करता है, कम फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, खुद उनके अंदर से जब प्रयास आता है तब गाते हैं, और मैं राजा के आदेश पे गाता हूँ, और वो कब गाते हैं, खुद उनकी आत्मा जब कहती है तब गाते हैं, यही दोनों का अंतर है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही तो सारा अंतर बना देता है, ठीक ना। मैं किसी के आदेश पे गाता हूँ, और वह स्वतंत्र गाया करते हैं। कहानी यहीं से शुरू हुई थी कि भारत की जो कला है, सच्ची कला किसी कीमत पे नहीं उभारी जा सकती, ठीक ना, किसी के आदेश पे, ठीक ना। जबकि मैंने कहा कि भारत की नहीं, दुनिया की कला किसी कीमत पे, आदेश पे नहीं उभारी जा सकती है, ठीक ना। तो वहाँ पे भारत शब्द नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे भारत से इलाजी है कहा, ठीक ना नहीं, भाव कम हो जाएगा, ठीक ना, सृष्टिकर्ता ने जो दे रखा है भाव वो कम हो जाएगा, ठीक ना। हाँ समय में आई पूरी तरह से? चलिए, आपका आज मैंने ज़्यादा समय ले लिया, बड़ी इत्मीनान से आज पढ़ाया, क्योंकि उस दिन दो पार्ट खींचा तो दोनों पार्ट के खींचने से कुछ प्रॉब्लम हुआ हमको, इसकी वजह से धीमा पढ़ाना पड़ा। चलिए अब इसका पैसे देख लेते हैं, या कर लेंगे पैसे जी, कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबा होगा, या करा दें। पहला क्वेश्चन वैसे राइट द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन, हाँ राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखना है, ठीक ना, और क्या, हु इज द ऑथर ऑफ
ये तो जान ही रहे हैं, सूर्य शुक्र आते आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स वर मेड बाई ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा कौन कौन सी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई थी। देखिए पहली लाइन में उसको पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है, वहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। हाउ डिड ब्रह्मा फील आफ्टर क्रिएटिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स को बनाने के बाद से ब्रह्मा जी कैसा फील कर रहे थे, खूब खुश थे ना, हाँ सैड थे, ठीक ना, बहुत सैड थे, दुखी थे, उसको लिख डालिएगा वहीं पढ़ करके। व्हाट डिड सरस्वती आस्क हिम, सरस्वती जी ने क्या पूछा, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर सैडनेस, यानी आपकी उदासी का कारण क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के जो शब्द हैं इनका सिनोनिम क्या होगा, निम्बल हम्बुल, क्या होगा, हम्बल विनम्र, निम्बल मीन्स निरीह, ठीक ना। ओरिजिन क्या, नहीं ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन का इसमें उत्पत्ति तो होता ही है, लेकिन इसका सिनोनिम इसी में है, बेसिक, देखिएगा बेसिक है, हाँ उसका सिनोनिम बेसिक ही होगा। आगे चलें, चलिए अगला देख लीजिए, मैचिंग देखिए, मैचिंग क्या है, मैच करना है ए को बी से, वेराइटी विविधता, कंजर्ट पत्नी, अप्रिसिएट प्रशंसा करना, यूनिक अनोखा, विविधली स्पष्ट रूप से, पिग्मी बौना तुच्छ, एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिसिएट से लगा देंगे, मैच कर लीजिएगा अप्रिसिएट से, अनमैचेबल जो मैच ना कर सके, यूनिक अनोखा बेमिसाल, अनमैचेबल का। अगला डाइवर्सिटी विविधता, वेराइटी हो जाएगा, वेराइटी समझ में आ रहा है, देख लीजिए इसमें आगे चलें, डाइवर्सिटी क्लियरली क्या हो जाएगा, विविधली स्पष्ट रूप से, डॉर्फ पिग्मी, वाइफ कंजर्ट, वाइफ मीन्स की पत्नी, कंजर्ट मीन्स भी। अगला मैच करना लिस्ट ए को लिस्ट बी से, कर यूनिक अनोखा, स्कल्पचर शिल्प कलाएं, हाँ। अगला मिस्ट्री क्या, सीक्रेट, और ग्रेविटी गंभीरता, सीरियसनेस को ग्रेविटी से मैच कर लेंगे, सीक्रेट किसे, मिस्ट्री से, बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का कोई अकेला हो, यूनिक, और द आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थरों को तलाशना क्या कहलाता है, शिल्प कला, ठीक ना, तो शिल्प कला, तो वही स्कल्पचर, ठीक ना, क्लियर हुआ इतना बड़े, ये फाइनल होता है। चलिए आपका जो प्रोज सेक्शन था फाइनल हो गया, अभी आपका जो इंचेंटेड पूल है अपलोड नहीं हो पाया, हो सकता है दो तीन दिन में, मैं वीडियो बना दिया हूँ लेकिन अपलोड कर दूंगा। अब इसके पास से आपका पोएट्री है, पोएट्री में ज़्यादा नहीं है, दो तीन पोएम और होंगे, दो पोएम तो अपलोड हो गया है, कितना है, द फाउंटेन है, द फाउंटेन हो गया है, और कौन सा होगा, और द साम ऑफ लाइफ, इसका वीडियो बनाना है, उसके बाद से द विलेज सॉन्ग का देना है आपको, और द नेशन बिल्डर का, द नेशन बिल्डर का हो गया है जी, बस इतना ही है ना, हाँ। तो अब हमको मात्र दो दो का और वीडियो बनाना है, द विलेज सॉन्ग का और किसका, और साम ऑफ लाइफ का, ये कल आइएगा, कल दोनों को मैं बता दूंगा, ठीक है, कल आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना।